बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्थ है बाह्य पर्यावरण को समझने, विवेकपूर्ण चिंतन करने और जीवन के समक्ष आने वाली चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने की कला या क्षमता को हम बुद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन बुद्धि कोई एक पक्षीय अवधारणा नहीं है, यह एक बहुपक्षीय अवधारणा है। इसे दक्षता के रूप, पर्याय के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आशय है तर्क करने, अनुभव से सीखने, समस्याओं की पहचान और समाधान करने तथा अपने पर्यावरण के प्रति दक्षतापूर्ण तरीके से अनुकूलित होने की क्षमता। बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक गुण है जिसके विविध पक्ष हैं। हम किसी एक पक्ष के आधार पर किसी की बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। बुद्धि को विभिन्न चीजों को देखने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अल्फ्रेड बिन्नेट कहते हैं, अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता तथा अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। जबकि वेसलर ये मानते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन करने, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण के प्रति प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। फ्रांसिस गाल्टन, जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इस मनोवैज्ञानिक अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया, वह मानते हैं कि बुद्धि का अर्थ है उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की योग्यता। जबकि गार्डनर और स्टर्नबर्ग के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलन स्थापित करता है, बल्कि वह उसमें सक्रियता से परिमार्जन और परिवर्तन भी करता रहता है और कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे कम विकसित जो देश हैं, जो कृषि प्रधान समाज हैं, उनमें प्रभावी सामाजिक व्यवहार स्थापित करने वाले को बुद्धिमान की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में और तकनीकी रूप से विकसित समाजों में व्यक्तिगत उपलब्धियों को बुद्धिमान होने की पहचान समझी जाती है। रूसी मनोवैज्ञानिक वोइगोट्स्की कहते हैं कि बुद्धि संस्कृति का प्रतिफल है। जबकि भारतीय परंपरा में हमारे बोध करने, प्रभावी सामाजिक व्यवहार स्थापित करने, उच्च भावनात्मकता और उद्यमशीलता को बुद्धि के अवयव के रूप में स्वीकार किया जाता है। बुद्धि सृजन सृजनात्मकता भी बुद्धि का एक अवयव माना जाता है। सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन और उपयोगी विचारों, वस्तुओं और समस्याओं के समाधान की योग्यता को सृजनात्मकता माना जाता है, और सृजनशीलता को भी बुद्धि के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति का वह मनोवैज्ञानिक गुण है जो उसके व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक समझ और आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं अपने वीडियो छोटे रखूंगा, केंद्रित रखूंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा फीडबैक दें, अच्छा बुरा जैसा भी, ताकि हम आने वाले वीडियोस को और प्रभावी तरीके से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।